इस वक्त हम दादरा एंड नगर हवेली की ग्रीन सिटी सिलवासा में दमनगंगा नदी पे बना रिवर फ्रंट पर आ पहुँचे हैं। यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबी वॉकवे के लिए ट्रैक बनी हुई है। एक तरफ दमनगंगा रिवर और दूसरी ओर सुंदर उद्यान बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गामित, मेरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दादरा नगर हवेली का एक सुंदर टूरिस्ट प्लेसेस सिलवासा में हूँ और सिलवासा में इस वक्त में दमन गंगा नदी के तट पे मौजूद हूँ और मैं आप सभी को यहाँ का एक सुंदर नज़ारा मैं दिखाऊंगा। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा और ये मेरे पीछे दमनगंगा रिवर। इस वक्त रात भर बहुत बारिश हुई, इस वजह से इस नदी में पानी बहुत ज़्यादा आया है और हेतवी और उसकी सहेली फोटो खींचाने में लगी हुई है, तो मैं उसके पास ले चलता हूँ। हेतवी फोटो पाइड अ नानक गार्डन में है। दमनगंगा रिवर फ्रंट सिलवासा की प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है। शहर का एक जीवंत केंद्र जहां लोग पर्यटन, कला और संस्कृति का आनंद लेते हैं। विश्व के समक्ष यहां के लोगों को या संगठनों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक सप्ताह पर फन एंड फिटनेस स्टेज शो का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दमनगंगा रिवर फ्रंट सिलवासा के सुंदर और मनोरम उद्यान है। रिवर फ्रंट घूमकर मैं बहुत ही प्रफुल्लित हुआ हूँ। इस यात्रा के बाद मुझे लगा कि मैं सभी से जाकर कह दूँ कि बेंगलोर के बदले अब सिलवासा भारत का नया बगीचों का शहर है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक बहुत सारे उद्यान है और प्रत्येक उद्यान की अपनी अलग खासियत है। इस सभी उद्यानों की बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया जाता है और इस उद्यानों की सैर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात थी।
क्या? कहाँ पे? हाँ रुको एक मिनट, दमनगंगा रिवर के ऊपर बना ये दो पुल है, उसमें से एक पुल बारिश के दिनों में बहुत क्षतिग्रस्त होने की वजह से यहाँ पे व्हीकल का आने जाने पे रोक लगा दी गई है। अभी जो नया पुल बना है उसी के ऊपर से आने जाने का काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल नज़ारा। मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।